गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई थिंक सब ठीक ही होंगे। मुझे काफ़ी दिन से लोग बोल रहे थे कि आप ब्लॉग क्यों नहीं बना रहे, ब्लॉग क्यों नहीं बना रहे, वरना शॉर्ट वीडियो अपलोड करते हो। तो यार, मैंने शॉर्ट वीडियो अपलोड करना तो बहुत ज़्यादा कम कर दिया, और ब्लॉगिंग भी मैंने बहुत कम कर दी है। बट मैंने सोचा यार, बहुत दिन हो गए ब्लॉग नहीं बनाया, तो आज बना देते। तो आज मैं जा रही हूँ मेरे कॉलेज, आप लोग को मैं अपना कॉलेज दिखाऊँगी, ठीक है? चलते हैं। मैं कॉलेज के लिए रेडी हो चुकी हूँ, और चलते हैं कॉलेज। देख सकते हो आप लोग कितनी भीड़ रहती है यहाँ पे यार, जगह जगह स्वेट रहते हैं, ऐसे 10 से 12 स्क्वायर आते हैं बीच में। देख सकते हो यार कितनी भीड़ रहती है यहाँ पर, कितना ट्रैफिक रहता, बहुत दिक्कत आती है जाने में। गाइस, आ गया मेरा एक्चुअली आधे से ज़्यादा मेरा कॉलेज तो ऐसा लगता पार्क ही है। चले जाओ या यहाँ पे आ जाओ, बात तो एक ही है। एकदम मेरा जो कॉलेज है ना, ओल्ड तो ना, मेरे कॉलेज में आधे से ज़्यादा लड़कियाँ क्या करती हैं, घूमने फिरने, ऐसा लगता बात करनी है। ये हमारे कॉलेज का लोग बोल महारानी लक्ष्मी बाई। सो गाइज, मेरा कॉलेज दिख रहा, ऐसा लग रहा ना गार्डन है कोई। बस उधर साइड पे डिपार्टमेंट ही स्टार्ट हो जाते, ये पुस्तकालय डिपार्टमेंट लाइब्रेरी। ये सारे डिपार्टमेंट्स है, और ये पेड़ पौधे तो यार उनके कारण दिखेंगे। कॉलेज घुमाना तो बहुत बड़ा कॉलेज है, पर ऐसा लगता है ओल्ड, जो पुराने जमाने में कॉलेज होते थे ना, पहले महल वहल होते थे, उस टाइप का कॉलेज है। ये रहा मेरा डांस डिपार्टमेंट, और ये है कंप्यूटर डिपार्टमेंट। तो मुझे फिलहाल जाना है डांस डिपार्टमेंट, अभी नहीं जाऊँगी मैं, आगे आपको कॉलेज दिखाऊँगी। ऐसा लग रहा है ना कोई भूत बंगले में आ रही हूँ। गाइस, ये मेरे कॉलेज का सेकंड ब्लॉक है, मतलब ये भी मेरा कॉलेज ही है। देख सकते हो अभी तो कॉलेज अच्छे से बन रहा है यार, आधा अधूरा।
बस यही है मेरा कॉलेज, ओल्ड ओल्ड सा लग रहा है ना। ये उस जमाने का कॉलेज है जब देवी अहिल्या बाई रहती थी। मेरे कॉलेज को देख के ऐसा नहीं लगता कि कोई महल वहल होगा। बस यही है आज का मेरा जो ब्लॉग है वो यही एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। थैंक यू सो मच। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो। आज चुकी मैं कॉलेज से, बहुत थक गई हूँ यार। क्या ही बताऊँ, बाहर जाओ तो फीलिंग ही अच्छा होती है। तो अब मिलते हैं यार।